ये नायब सिंह सैनी अनिल विज को हराना था। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में नई सरकार का गठन हो गया है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, तमाम दिग्गज चेहरों को बड़ी जिम्मेदारियां भी दी जा चुकी हैं, लेकिन यहां पर बयानबाजियां थमने का नाम लेते नजर नहीं आ रही। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार में बिजली और परिवहन मंत्री बने अनिल विज एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में नजर आए। अनिल विज ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक बार फिर से यहाँ पर कैबिनेट मंत्रालय का जिम्मा संभाला है, और जिम्मा संभालने के बाद अंबाला, करनाल स्थित तमाम जगह पर वो कहीं ना कहीं अधिकारियों के कामकाज का जायजा लेते हुए नजर आए। इस दौरान एक बयान भी उनकी तरफ से दिया गया और उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान एक ऐसा यहाँ पर एक शिगुफा छोड़ा गया कि नायब सिंह सैनी मुझे चुनाव हराना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी मुझे चुनाव हराना चाहती। सुनिए इस पूरे मामले को लेकर के अनिल विज खुद क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस चुनाव में खाली दो ही पक्ष नहीं थे, एक पक्ष और भी था। एक चर्चा फैलाई गई यहां पर कुछ लोगों ने कि हम नायब सिंह सैनी के कुत्ते हैं, अधिकारियों के पास जाकर ये पार्टी भी अनिल विज को हराना चाहती है। पहले उन्होंने ये बताया कि अनिल विज को टिकट नहीं मिलेगी, पार्टी ने टिकट दे दी। सारे शहर में कुछ लोगों के चेहरों पर बड़ी रौनक थी, इस बार अनिल विज को टिकट नहीं मिलेगी, टिकट नहीं मिलेगी। चर्चा थी कि पार्टियों की, कोनों की, चाय की दुकानों की। फिर ये तीसरा नैरेटिव फैलाया गया कि नायब सिंह सैनी अनिल विज को हराना था और कुछ अधिकारी उनकी बात में आ गए। और उन्होंने पूरा रोल प्ले किया, मैंने अपनी आंखों से देखा। उनके साथ शाम को बैठ के जो शराब पीते थे, मैंने उन लोगों को विपरीत कैंपों में गतिविधियां करते देखा। चुनाव वाले दिन मैंने खुद देखा भाई नायब सैनी मुझे क्यों हराना चाहिए, नायब सैनी को मेरा दोस्त है। नायब सैनी को मैंने खुद यहां पे जिला अध्यक्ष बनवाया था, मेरे घर ही बैठ के फैसला हुआ। और अगर नायब सैनी मुझे हराना चाहता तो मुझे टिकट ही नहीं देने देता। बुद्धि काम नहीं करती लोगों की। अरे चुनाव में एक एक सीट चाहिए थी और अपाला कैंट की करंजीत सीट थी, क्यों हराना चाहेगा। लेकिन उन कुत्तों के कुत्ते हैं वो, उन्होंने बगावत भी करवाई वो ही नाम लेकर कि भूखों से जाते हैं। और कईयों को तो कहा कि तुम्हें टेंडर दिलवा देंगे, मैं देखूंगा किस माइक के लाल को टेंडर दिलते। मुझे उन कुत्तों का भी दुख नहीं है। मैंने सारी जिंदगी में ऐसे कई कुत्तों का इलाज किया। मुझे अफसोस उन अधिकारियों का है जिन्होंने 3 महीने के लिए यहां से छोटे छोटे काम भी रोके, सड़कें मंजूर करा रखी
और बनने नहीं दी और फिर नारा लगाया कि अम्बाला गंड की सड़कें खराब है, एक तरफ बनने नहीं दे रहे, खट्टे नहीं बनने दे रहे और दूसरी तरफ का चुनाव अभियान का नारा ही अच्छा की सड़कें खराब है। अरे तुमने और इतना कुछ करवा दिया, जाके देखो अम्बाला गंड में करोड़ों रुपया विकास का खर्च करवा दिया, सड़कें नहीं बनी थी, नहीं बन रही। अधिकारियों और भी कई तरह के चीजें सेट की, यही तरह मिल के लोगों के साथ विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर अब नजर नहीं दिखा रहे, कईयों को तो जुलाब लगे हुए हैं, डीसी साहब जैसे ही मैंने लीड बढ़ानी शुरू करी छुट्टी लेके चले गए, नजर नहीं आए उसकी, नजर नहीं आए उसकी। प्रजातंत्र में जैसे हमारा धर्म है जनता की सेवा करना, वैसे तुम्हारा भी धर्म है लोगों के काम। और जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने राजनीति की है, अगर मैं चाहूंगा तो मैं उनकी नौकरियां भी खा जाऊंगा उनकी नौकरी, मेरे पास है सामान। मेरे भक्तों ने मुझे वो सब कुछ मुहैया कराया, आपको पता नहीं लग सकता कि आपके घर में कोई मेरा भक्त भी हो। तो सुना आपने, अनिल विज साफ तौर पर यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को मेरी विश्वसनीयता के चलते यहाँ पर टिकट देने में आसानी हुई और हमने अम्बाला कैंट से सातवीं बार जीत हासिल की। आपको बता दें कि अनिल विज उस वक्त काफी नाखुश नजर आए थे जब 12 मार्च 2024 को नायब सिंह सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री की ताजपोशी करते वक्त यहाँ पर अनिल विज को दरकिनार कर दिया गया था। देखना ये होगा कि क्या ये जो बयानबाजियां सामने आ रही है एक बगावती सुर भी अपना सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ESPN 9।